राजस्थान के जालौर जिले में जातिवादी घटना मानसिकता के कारण हुई मासूम की मौत को लेकर के आज अजाक्स व मेघवाल विकास परिषद द्वारा राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार कविता कंडेला को ज्ञापन दिया गया। इस घटना से समाज में काफ़ी आक्रोश देखा गया। अजाक्स अध्यक्ष बाबूलाल परिहार, राधेश्याम कछावा के साथ मेघवाल समाज विकास परिषद के युवा जिला अध्यक्ष मुकेश सूर्यवंशी, युवा संगठन अध्यक्ष रवि कुमार सूर्यवंशी, युवा तहसीलदार अध्यक्ष दशरथ भगानिया, कार्यवाहक तहसील अध्यक्ष शंभूलाल चौहान, जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल परिहार, संभाग महासचिव शिवलाल, तहसील सचिव इंद्रमल सूर्यवंशी, समंत भास्कर, समंत कछावा एवं बाबूलाल भंवरलाल प्रभुलाल, सरपंच रामप्रसाद देवरिया, विजय सुरेश, सरपंच सेमली काकड़, श्यामलाल बामनिया, शिवनारायण सोलंकी, जुझारलाल सेमली धाकड़, तेजराम कछावा के साथ समस्त अजाक्स के पदाधिकारी व अध्यक्ष मेघवाल समाज परिषद के समाजजन व कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है सर, किस विषय को लेकर दिया है? आज जो ज्ञापन दिया है हमने बहुत भारी मन से दिया है, क्योंकि हमारे समाज का एक अनुजाति वर्ग का बालक जो बहुत ही मासूम और बहुत ही होनहार प्रतिभावान था, कक्षा तीसरी का, जिसको पानी की प्यास लगी होगी और वो एक मटके के पास गया और पानी पीता है। उसको पता नहीं था कि ये मेरे गुरुजी का मुझे मार्गदर्शन देने वाले का मटका है, और उसने पानी पी लिया। गुरुजी को पता चला तो वो शिक्षक के नाम पे मेरे हिसाब से तो कलंक था, कलंक है, क्योंकि शिक्षक कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। यदि वो शिक्षक ऐसा व्यवहार करता है तो वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। कहाँ की घटना है सर? ये जालौर के सुराणा गांव की घटना है, और घटना तो बहुत पहले की थी, शायद 15-20 दिन पहले की, 13 जुलाई की है। तो हल्का फुल्का उसको इलाज करवाया, पहले स्थानीय अस्पताल में करवाया, फिर भीनमाल और जालौर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद अहमदाबाद में उसकी जो है मृत्यु हुई। तो आज अजाक्स के माध्यम से और मेघवाल समाज विकास परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा जो हमने ये एक ज्ञापन दिया कि जो मृत बालक है उसके हत्यारों के खिलाफ, हत्यारों को सरेआम फांसी दी जाना चाहिए, जो उचित भी है, और उसके साथ में जो है उसको मुआवजा दिया जाए 50 लाख रुपये का, और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारे सबकी मांग है। और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं घटे, इसके लिए संवैधानिक दायरे में रहकर, और जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप भी मीडिया वाले हैं, लेकिन आज का जो प्रिंट मीडिया है वो न्यायाधीश की भूमिका में आ गया है, तो वो भी होश में आए कि वो न्यायाधीश की भूमिका में रहे। क्योंकि आप थोड़े दिन पहले अखबार में देखा होगा आपने, वो दैनिक भास्कर वाला जाता है और बोलता है कि किसी प्रकार की वहाँ पर मटके के नहीं रखा हुआ था, सब एक ही टंकी से पानी पीते हैं, और वो टंकी नल ऐसा लगा कि मतलब 180 डिग्री घूम के जो है पानी पीना पड़ता था। क्या मेरे जैसा शिक्षक उसमें 180 डिग्री घूम के पानी पी सकता है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पे खड़ा होता है। तो ये सारी बातें को लेकर आज हम सभी ने जो है आज ज्ञापन दिया है और मांग करी है, और यदि इस प्रकार की घटना हो और होती है तो आगे भी हम और कठोर से कदम, संवैधानिक दायरे में लेकर कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए या उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम सर? मेरा नाम है राधेश्याम मेहर।